Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. हेलो, दिस इज 911. क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? हेलो जी, वो मुझे एक पिज्ज़ा ऑर्डर करना था. पिज्ज़ा? मैम, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है. आपने गलत जगह फ़ोन किया है. दिस इज़ अ हेल्पलाइन फॉर इमरजेंसी. आप अपने मेन्यू के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देंगी? मुझे डील सेलेक्ट करने में मदद चाहिए थी आपकी, प्लीज़. मैम, क्या आप किसी मुसीबत में हैं और खुलकर बात नहीं कर पा रही? जी, ज़रा जल्दी कर दें, मुझे फ़ौरन डिलीवरी चाहिए. मैं समझ गई. मैम, आप बिल्कुल मत घबराएं. मेरा नाम ऑफिसर ग्रेस है. आप अपना नाम और एड्रेस बताएं मुझे. जैसे आप ऑर्डर दे रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही बात कीजिए मुझसे. ऑर्डर और बिल क्रिस्टी के नाम पर बना दें. एड्रेस नोट करें. बिल्डिंग नंबर 235, अपार्टमेंट 3F, हावर्ड स्ट्रीट. और मेरा नंबर है 893-2583. क्या आपके अलावा घर में कोई और है? क्या आपके साथ बच्चे भी हैं? नहीं, मुझे फैमिली डील नहीं चाहिए. आपके पास कोई ऐसी डील है जो दो लोगों के लिए काफ़ी हो? आपके साथ जो शख्स मौजूद हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं? जी, मुझे लगता है एक लार्ज पिज्ज़ा मेरे और मेरे शोहर के लिए काफ़ी रहेगा. क्रिस्टी, क्या ये घरेलू तशद्दुद का मामला है? क्या आपके शोहर ने आपको अपने ही घर में कैद करके रखा है? आप ये सेकंड फ्लेवर डन कर दें. चिकन फहीता ठीक है. मैंने यहाँ से पुलिस की नफरी रवाना कर दी है. ये लोग 10 मिनट में आपके घर पहुँच जाएंगे. आपके शोहर ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? आपको चोट तो नहीं लगी है? क्या हम पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी भिजवाएं? नहीं शुक्रिया, मुझे सैलड नहीं चाहिए. क्या वो इस वक्त दूसरे कमरे में हैं या आपके साथ हैं? फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, आप चीज़ी ब्रेड कर दें. क्रिस्टी, क्या आपके शोहर के पास कोई हथियार है? कोई गन वगैरह जिससे वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हों? हाँ, एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ऐड कर दें, 2.5 लीटर वाली. शाबाश क्रिस्टी, मेरे साथ इसी तरह बात करती रहो. लाइन डिस्कनेक्ट मत करना, ठीक है? क्या आपके घर में कोई ऐसी महफूज जगह है जहां आप हमारे आने तक छुप सकती हो? नहीं, मेरे पास कार्ड नहीं है. मैं कैश से पे करूँगी. क्या आप किसी बहाने से किसी को बुला सकती हैं? कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी वगैरह? नहीं, कोई एक्स्ट्रा टॉपिंग नहीं चाहिए मुझे. हम एक काम कर सकते हैं. आप इस वक्त जहाँ खड़ी हैं, क्या उस रूम में कोई खिड़की या बालकनी है? जी, एक छोटा लावा केक ऐड कर दें. मैं चाहती हूँ कि तुम दरवाजे से दूर खड़ी रहो और कोशिश करो कि खिड़की के पास आ जाओ, ठीक है? ओके, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. आप एक बार ऑर्डर रिपीट कर दें प्लीज़. क्रिस्टी, डरो मत, ये लोग बस पहुंचने ही वाले हैं. जी ठीक है, ऑर्डर कब तक आ जाएगा? बस 3 मिनट में ये लोग तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे होंगे. अब मेरी हिदायत ध्यान से सुनो. मैं जैसे ही तुम्हें इशारा दूं, तुम फौरन... ये तुम किससे बात कर रही हो? एंड्रयू के यूं अचानक आ जाने की वजह से क्रिस्टी ग्रेस की पूरी बात नहीं सुन सकी. सहमी हुई क्रिस्टी ने खुद को संभालते हुए कहा, एंड्रयू, मैं वो हमारे लिए मैं हमारे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही थी. आपको पसंद है ना? एंड्रयू की नज़र लैंडलाइन पर लगे स्क्रीन पर पड़ी. उसने टेबल पर रखे लैंडलाइन को जोर से ज़मीन पर पटका, जिससे स्पीकर ऑन हो गया. फिर उसने क्रिस्टी के हाथ से रिसीवर छीना और उसे दीवार की तरफ धकेल कर लैंडलाइन की तार से उसका गला दबा दिया. मनहूस औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को कॉल करो? मेरे पैर की जूती हो तुम, समझी? आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें. एंड्रयू, मैं ऑफिसर ग्रेस बात कर रही हूँ. पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है. बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं. तुम्हारे पास इस वक्त हमारे साथ ताउन करने और हथियार डाल देने के अलावा और कोई चारा नहीं है. अगर तुमने कोई होशियारी की या क्रिस्टी को कोई नुकसान पहुंचाया, तो तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.
ये हमारा निजी मामला है, तुम लोग होते कौन हो दखल अंदाजी करने वाले? सोचा था चार दिन कमरे में भूखी प्यासी बंद रहेगी तो इसकी रोज की टेंटे बंद हो जाएगी, रोज का रोना लगा रखा है। जुआ मत खेलो, नशा मत करो, नौकरी कर लो, लेकिन यहाँ तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। प्लीज मुझे इस हैवान से बचा लें, आपको खुदा का वास्ता है। क्रिस्टी ने बिलकते हुए ग्रेस से रहम की भीख मांगी। क्रिस्टी मेरी बात गौर से सुनो, याद रखो तुम बहुत बहादुर हो, जब अपने हाथ से सब कुछ फिसल जाए तो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। उसने अगर तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है, वो या तो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। उस पर कामिल यकीन रखो और कूद जाओ। ये सुनते ही क्रिस्टी ग्रेस का इशारा समझ गई। उसने एंड्रयू को जोर से धक्का मारा। एंड्रयू लड़खड़ा कर पीछे गिरा और पलक झपकते ही क्रिस्टी ने खिड़की से छलांग लगा दी। नीचे 8 चाको चौबंद पुलिस ऑफिसर्स ग्रेस की हिदायत के मुताबिक क्रिस्टी को बचाने के लिए एक रेस्क्यू नेट बिछाकर खड़े थे। क्रिस्टी जैसे ही उनकी हिफाजत में आ गई, बाकी ऑफिसर्स ने अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।